हेलो, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्नेल्स लॉ पर एक एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है जिसके बेस का डायमीटर है 2r, उसकी हाइट भी है 2r। इनिशियली आपका कंटेनर एम्प्टी है और इस तरीके से प्लेस्ड है कि एक ऑब्जर्वर जस्ट इस पॉइंट ए को देख पा रहा है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इस पॉइंट ए के ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं, यहां से तो लाइट रेस जो है पहुंच जाएंगे ऑब्जर्वर को, लेकिन पॉइंट ए के राइट में जो पॉइंट्स है बेस पे, वहां से कोई भी लाइट रे आपके ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंच पाएगी। आप इमेजिन करके देख सकते हैं, सी से अगर कोई लाइट रे वहां तक जाना चाहे तो बीच में ये वॉल आ जाएगी। तो यानी कि अभी ऑब्जर्वर को पॉइंट ए दिख रहा है, ये ऊपर वाले पॉइंट्स दिख रहे हैं, इधर वाले पॉइंट्स नहीं दिख रहे। क्वेश्चन ये है कि इस कंटेनर में कितना हाइट तक हमें वाटर पोर करना चाहिए, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको गिवन है म्यू, सच दैट कि जो बेस का सेंटर है वो इस ऑब्जर्वर को विजिबल हो जाए। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहें तो यहाँ वीडियो को पॉज कर सकते हैं या मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि हमने एक वाटर को एक हाइट h तक पोर किया और उसके बाद पॉइंट c जो ऑब्जर्वर को दिखने लगा। वाटर पोर करने के बाद ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि पॉइंट c ऑब्जर्वर को दिख जाए, बिकॉज वाटर पोर करने के बाद ये हमारे लिए पॉसिबल है कि पॉइंट c से एक लाइट रे इस तरीके से जाए एंड वाटर से जब वो एयर में आ रही है तो नॉर्मल से अवे बेंड करे एंड देन जाके ऑब्जर्वर को दिख जाए। तो ये यहाँ थोड़ी ज्योमेट्री देखिए, पॉइंट सी आपका बेस का सेंटर है। मान लेते हैं कि ये लाइट रे जो है जो कि फाइनली ऑब्जर्वर के पास जा रही है वो है लेट्स से एक एंगल थीटा पे नॉर्मल के साथ। जब ये एयर में आ जाती है तो क्योंकि ये ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट जो कि पॉइंट ए से आ रही थी उसी में मीट हो गई है, तो एयर में आने के बाद इसका एंगल रहेगा 45 डिग्री। नोटिस कि आपको गिवन है कि कंटेनर का हाइट और कंटेनर का डायमीटर दोनों सेम है, जिस कारण से ये जो एंगल है वो 45 डिग्री होना चाहिए। ये जो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है CPQ, इसी को मैं यहाँ पे अलग से दिखा रहा हूँ। CPQ ट्राइंगल में आप देखेंगे PQ है वाटर की हाइट, H ये एंगल मैंने थीटा बना हुआ है, CQ जो है इसका बेस है, ये अभी हमें पता नहीं। नोटिस करिए ये जो ट्राइंगल है APQ वो भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक्सटेंडेड। APQ ट्राइंगल में ये एंगल आपका 45 डिग्री है और हाइट एच है, क्योंकि एंगल 45 डिग्री है दैट मीन्स बेस और हाइट सेम होंगे। इसका मतलब क्योंकि हाइट एच है तो बेस भी इसका एच होगा। Also, point A से point C की डिस्टेंस अपने को पता है R, because after all C base का सेंटर है। So AC आपकी R है, ये H है, that means CQ आपकी होगी H minus R। Trigonometry से हम बोल सकते हैं that tan of theta will be equal to the perpendicular by base H minus R by H। Also, angle theta के लिए आप लगा सकते हैं Snell's law at this refraction। आप यहाँ पे देखेंगे water का refractive index है mu, angle है यहाँ पे theta। एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, एंगल है 45 डिग्री। सो स्नेल्स लॉ से आपके पास आ जाएगा म्यू साइन थीटा इक्वल्स 1 इनटू साइन 45, दैट मींस यू गेट साइन थीटा इक्वल्स 1 बाय रूट 2 म्यू। अब मैं करूंगा ये कि सेकंड इक्वेशन में टैन थीटा है, फर्स्ट इक्वेशन में साइन थीटा है, इन दोनों को रिलेट कर लेते हैं। साइन थीटा आपको पता है होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू पता है तो मैं टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं। आप देखेंगे टेन थीटा की वैल्यू जाएगी 1 बाय रूट 2 म्यू स्क्वायर माइनस 1। इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। एलजेब्रा से सॉल्व कीजिए, आप देखेंगे एच विल बी इक्वल टू आर डिवाइड बाय 1 माइनस 1 बाय रूट ऑफ 2 म्यू स्क्वायर माइनस 1। हाय, मेरा नाम है दीपक भारद्वाज, आप देख रहे थे चैनल जेई फिजिक्स क्वांटाइज्ड। अगर आप लोगों को लगता है कि इन वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज और लोगों को इसके बारे में बताइए, और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।